आपने वो कहानियां सुनी होंगी जब राजा प्रजा का हाल जानने के लिए अपना भेष बदल करके प्रजा के बीच में निकलते थे, शहर का भ्रमण करते थे। मुझे बचपन में कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था, मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां पढ़ी हैं। और अनिल कपूर की वो फिल्म आपको याद होगी नायक, जिसमें वो खुद सीएम होते हैं लेकिन भेष बदल के आम जन की समस्याओं को जानने के लिए वो शहर का भ्रमण करते हैं, कई अधिकारियों के पास भी वो जाते हैं। और हाँ, इधर मैंने पूना में भी एक किस्सा सुना था, एक पुलिस अधिकारी का, वो अक्सर भेष बदल करके थानों में जाया करते थे कि वहां के जो थाने के लोग हैं किसी से रिश्वत तो नहीं ले रहे हैं, किसी को समस्या जाने बिना ही तो वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सब अलग बात है। आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को ये सुना है उसके बारे में कि वो भेष बदल करके अपने देश के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए निकले? और ये भी कि पुलिस वाले अपने देश के प्रधानमंत्री से ही रिश्वत ले लें, और वो भी सिर्फ 35 रुपए की? दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और मैं वापस उसी बात पे आती हूं। ये बात है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की। साल था 1969, शाम के 6:30 बजे हुए थे। एक मैला कुचैला सा, मिट्टी से सनी हुई धोती पहने हुए एक किसान परेशान होकर के एक थाने में एंटर होता है, और उस थाने का नाम था उसराहार। बहुत दुबला पतला इंसान देख करके लग रहा था कि वो किसी बेहद गरीब किसान परिवार से है। उम्र यही रही होगी कोई 75 साल की। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। थाने में घुसने से पहले वो थोड़ा डर रहा था, और जो वहां पुलिस के लोग तैनात थे उनसे अपनी बात नहीं कह पा रहा था। इतना डर से कांप रहा था कि उसकी बात का दरोगा जी बुरा ना मान ले। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही उनके पास पहुंचता है, उस किसान के पास, और कहता है कि क्या परेशानी है। वो किसान कहता है कि अरे दरोगा जी, मेरी जेब किसी ने काट ली है, किसी चोर उचक्के का ही ये काम होगा, और बस फरियाद लेके आया हूं आपके पास कि मेरी रिपोर्ट दर्ज हो जाए। ये सुनकर के थोड़ी दूरी पे टेबल कुर्सी लगा के आराम कर रहे एक हेड कांस्टेबल की नजर उन पे पड़ती है। वो अपनी कुर्सी से उठते हुए सिर उठाते हैं, देखते हैं कि किसान है, परेशान है, पूछते हैं कि क्या बात है, कैसे तुम्हारी जेब कट गई, किसने तुम्हारी जेब काटी, और तुम कहां के रहने वाले हो। तमाम सारे सवाल जब उस किसान के सामने आते हैं तो किसान एक एक करके उन सवालों का जवाब देता है। वो कहता है कि मैं मेरठ का रहने वाला हूं, यहां इटावा में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था, और यहां पे मुझे बैल खरीदने थे, इसलिए मैं कुछ पैसे अपनी जेब में डाल के लेके आया था, और जब मैं निकला बैल खरीदने के लिए तो किसी ने मेरी जेब काट ली। बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर मेरे पैसे ना मिले, क्योंकि मुझे बैल खरीदने थे, अब मुझे आप बचाइए और चोरों का पता लगाइए। अब रपट लिख करके चोरों को पकड़ने की बात सुन करके जो चौड़े होकर के हेड कांस्टेबल कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ सवाल और दाग दिए बेचारे किसान पे। उन्होंने कहा, अरे बाबा, पहले ये तो बताओ कि मेरठ से इतनी दूर इटावा क्या करने आए आप वहां से भी ये काम कर सकते थे। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपके पास सबूत क्या है कि आपकी चोरी हुई है। हो सकता है कि आपने अपने पैसे खुद ही खा पी के उड़ा दिए हो, मौज मस्ती की हो, और अब मौज मस्ती के बाद जब जेब खाली हो गई है तो आप ये बहाना कर रहे हैं चोरी का। और ये भी आपको पता होगा कि आपने मौज मस्ती करी है तो आपकी बीवी आपकी मौज मस्ती की बात ना पकड़ ले, इसलिए आप ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। जाओ, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाएगी। अब बड़े रुआसे से होकर वो किसान जो है एक तरफ खड़े हो जाते हैं। बिना रिपोर्ट दर्ज कराए वो जाना नहीं चाहते थे, परेशान होकर के दीवार से सिर लगा के खड़े हो जाते हैं। तभी एक छोटा सिपाही उनके पास पहुंचता है, उनके कान में कहता है कि बाबा, अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो आपकी रिपोर्ट जरूर लिखवाई जाएगी।
अब रपट लिख जाने की बात भर से ही वो किसान बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो ये सोचता है कि खर्चा पानी, तो उसके पास तो पैसे ही नहीं है। ये सोच करके उसके माथे पे शिकन आ जाती है और अब वो और भी ज्यादा परेशान हो रहा था कि कैसे वो पैसे दे पाएगा। लेकिन सिपाही कहता है कि कुछ जुगाड़ कर लीजिए तो आपकी रिपोर्ट लिखवाई जाएगी। उधर किसान कहता है कि उसकी रिपोर्ट अगर वो दर्ज कर लेंगे तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जब काफी बात समझा दी सिपाही ने, कोई भी जुगाड़ नहीं लग रहा था कि थाने को कुछ पैसे मिल जाए, तो उसने कहा कि ऐसा है, आप 35 रुपए चुपके से दे दीजिए और मुंशी आपकी रिपोर्ट दर्ज कर देगा। और वो तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। तो मुंशी ने कहा कि अरे बाबा, साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे? ये कहते हुए पुलिस ने पेन और अंगूठा लगाने वाली स्याही का पैड, दोनों चीज आगे की। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया और उसके बाद स्याही वाला पैड उठाया, और ये देख करके वो पुलिस वाला काफी परेशान हो गया कि इसने पेन भी उठा लिया है और अंगूठा लगाने वाला पैड भी उठा लिया है, ये जाने क्या करेगा, अंगूठा लगाएगा या ये साइन करेगा। अब उधेड़बुन सिपाही के दिमाग में चल रही थी तो उन किसान ने अपनी जेब में से एक मोहर निकाली, ठप्पा लगाने वाली मोहर। उन्होंने पहले उस शिकायत पे अपने साइन किए, उसके बाद उस पर अपनी मोहर लगा दी। ये देख करके पुलिस वाला और हैरान होता है क्योंकि जेब से कौन सी मोहर निकाली है उसने जो ठप्पा मार दिया है, और कागज वो पढ़ना चाहता था जल्दी से जल्दी, उसे पता चले कि ठप्पा किस चीज का लगाया है। तो जब उस हेड कांस्टेबल ने वो ठप्पा और सिग्नेचर पढ़े तो सिग्नेचर पे लिखा हुआ था चौधरी चरण सिंह, और जो मोहर पे ठप्पा लगा हुआ था उसमें लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखते ही पुलिस वाले कांपने लग गए और तुरंत उन्हें सैल्यूट किया, माफी मांगी। ये देख करके जो बाहर कांस्टेबल दूसरा बैठा हुआ था और पुलिस वाले थे, सब में भगदड़ मच जाती है और वो पूरा थाना ही नहीं, वो पूरा जिला एकदम से हड़बड़ा जाता है। पूरे जिले में इस बात की खबर हो जाती है, बड़े बड़े अधिकारी मौके पर आ जाते हैं। उस समय उस राहार थाना जो था पूरा अधिकारियों से भर गया और मौके पे ही उस थाने को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर देश के एक प्रधानमंत्री ने अचानक थाने का औचक निरीक्षण क्यों किया था, इस बारे में भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये बताया जाता है कि 1969 में चौधरी चरण सिंह देश के नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस समय प्रदेश के कई जिलों से किसान लोग अपनी परेशानियां उनको बताया करते थे। काफी किसानों ने उन्हें बताया कि जब वो अपनी कंप्लेन कराने जाते हैं तो पुलिस वाले उनसे पैसे मांगते हैं, घूस मांगते हैं और काम भी नहीं करते हैं। और जब इसकी जानकारी किसी सीनियर्स को दी जाती है तो वो भी उनकी सुनते नहीं है। अब चौधरी चरण सिंह जो कि प्रधानमंत्री थे, जो कि मेरठ के ही एक गांव को बिलोंग करते थे, उन्होंने किसी भी अधिकारी को हड़काया नहीं, किसी को फोन नहीं घुमाया जैसा कि आजकल आमतौर पर किया जाता है, या तो हड़का देंगे या तो अपनी किसी फौज को भेज देंगे। चौधरी चरण सिंह खुद ही इस बात की असलियत जानने के लिए उन्होंने यूपी का एक दौरा तय किया। अब जब वो इटावा से गुजर रहे थे तो उन्हें ध्यान आया कि यहां की भी एक शिकायत उनके पास आई हुई है, तो उन्होंने अपना पूरा काफिला जो है एक तरफ खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अभी आता हूं। कुछ दूरी पे ही उन्होंने अपना काफिला खड़ा कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने अपने जूते उतारे, उसके बाद पैदल ही वो खेत की तरफ से जाते हैं और खेत में जाकर के खेत से मिट्टी लेकर के अपने कपड़ों में लगा लेते हैं ताकि लगे कि वो बिल्कुल असहाय किसान है। इसके बाद वे ऊसा रहार थाने पहुंचते हैं जहां पर उनसे 35 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। मैं आपको बता दूं कि ये उस रहार थाना जिला औरैया में पड़ता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह का ये पहला मामला नहीं था। उससे पहले भी वो कई बार
अपना भेष बदल के यूपी के कई कार्यालयों में जा चुके थे और किसान के भेष में अक्सर वो जाते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी किसान अपनी शिकायत लेकर के किसी भी अधिकारी के पास जाए और वहां से वो परेशान होकर लौटे। वो इस परंपरा को खत्म करना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्हें किसानों के नेता के रूप में जाना जाता है आज भी। वो उत्तर प्रदेश के सीएम भी थे। सीएम बनने के बाद केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी रहते हैं और 28 जुलाई 1969 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों और कांग्रेस यूनाइटेड के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब पीएम बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने यूपी का दौरा भी किया था। उसी दौरान का ये वाक्या है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप और भी कुछ बातें जानना चाह रहे होंगे उनके पर्सनल जीवन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि उनका जन्म, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिला बाबूगढ़ छावनी, एक छोटी सी छावनी है बाबूगढ़ छावनी, वहां हुआ था। काफी गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता मीर सिंह थे। चौधरी चरण सिंह 27 साल की उम्र में ही, यानी कि 1929 में जब आजादी की लड़ाइयां लड़ी जा रही थी उस समय वो सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे और आजादी के बाद उन्होंने 1952 में पहली बार चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में अपना मंत्री पद संभाला था। वो समय फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। इसके अलावा भी वो कई प्रोफाइल में सरकार से जुड़े रहे। ये जो आपसे मैंने एक कहानी शेयर की है, इसको शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो आम जन की बात को जानने के लिए भेष बदल के लोगों के बीच जाते हैं। हाँ, फिल्मों में ऐसे कहानियां जरूर दिखती हैं और पुराने जमाने में, जैसे कि मैंने बताया कि कई कहानियां हैं ऐसी, जब राजा निकलता था प्रजा का हाल जानने के लिए, लेकिन अब देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री जब निकले एक थाने का हाल जानने के लिए तो उन्हीं से 35 रुपए की रिश्वत मांग ली। क्या कहते हैं आप? कैसा लगा आपको मेरा ये कंटेंट, मेरी कहानी कैसी लगी? आप अपनी किसी भी तरीके की राय आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।